बसमिल रहीम उज़मा की तारीफ़ की उजमा वम है जो अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान में आलम यानी किसी चीज़ का नाम हो और उसमें दो बातों में से एक बात पाई जाए नंबर एक तीन हर्फ से जायद हो नंबर दो तीन हर्फ हूँ लेकिन दरमियान वाला हर्फ मतहरक हो तीन हर्फ से जायद हो जैसे इब्राहिम अब ये दूसरी ज़बान में आलम है नाम है और तीन हर्फ से जायद है और तीन हर्फ हूँ लेकिन दरमिया वाला हर्फ मतहरक हो जैसे शतर एक किले का नाम है अब ये दूसरी ज़बान में अरबी के अलावा दूसरी ज़बान में आलम है एक कले का नाम है और तीन हर्फ हैं लेकिन दरमियान वाला हर्फ मतहरक है उजमा वो इसम है जो अरबी के अलावा किसी दूसरी जबान आलम हो और उसमें दो बातों में से एक बात पाई जाए नंबर एक वो तीन हर्फ से ज़ायद हो नंबर दो तीन हरफ हूँ लेकिन दरमिया वाला हर्फ मतहरक हो तीन हर्फ से ज्याद हूँ जैसे इब्राहिम अब ये अरबी के अलावा दूसरी ज़बान में अलम है और तीन हरफ से जायद है तीन हर्फ हों लेकिन दरमियान वाला हर्फ मतहरक हो जैसे शतर विले का नाम है अरबी के अलावा दूसरी ज़बान में एक नाम है और इसके तीन हर्फ हैं दरमियान वाला हर्फ मुतहरक है उसके बाद अलफिन ज्यादातान को बयान करते हैं कि अलिफन जायदान इसम के आखिर में होंगे या सिफत के आखिर में होंगे अगर इसम के आखिर में हूँ तो गैर मुनरफ की शर्त ये है कि वह इसम आलम हो और अगर सिफत के आखिर में हों तो फिर गैर मुनसरफ होने के लिए शर्त यह है कि उसकी मनस फ़ालानत के वजन पर ना आती हो अलिफ अलिफनून जायदान इसम के आखिर में होंगे या सिफत के आखिर में अगर इसम के आखिर में हूँ तो ग़ैर मुनसरिफ होने के लिए शर्त यह है कि वो वह आलम हो और अगर सिफत के आखिर में हूँ तो ग़ैर मुनसरफ होने के लिए शर्त यह है कि उसकी मनस फ़ालानत के वजन पर ना आती हो इसम के आखिर में हूँ और वो इसम इसम़ल हो उसकी मिसाल जैसे उस्मान इमरान सलमान अब अल्फन जायदतान इसम के आखिर में हैं और ये आलम भी हैं इसी वजह से गैर मुनसरफ होंगे सदा गैर नहीं होगा इसलिए कि वहअम नहीं है बल्कि जंगली घास को कहते हैं अगरचे अलफिन जायदतान इसम के आखिर में हैं लेकिन यहर मुनसरफ नहीं है क्योंकि येम नहीं है अलिफिन जायदा तान इसम के आखिर में हूँ और वो वह़म हो उसकी मिसाल स्स्मान इमरान सलमान अब ये इसम के आखिर में अलफिन जायदतान है लिहाजा गैर मुनसरफ होंगे क्योंकि ये येम है सदान में अलफन जायदतान हैं लेकिन वो गैर मुनसरब नहीं है क्योंकि वो आलम नहीं बल्कि जंगली घास को कहते हैं अलफन जायदतान सिफत के आखिर में हूँ और उसकी मनस फ़ौलानत के वज़न पर ना आती हो जैसे सकरान। अब गैर मनसरफ है अलफन जायदतान सिफत के आखिर में हैं और गैर मुनसरफ इस वजह से है कि इसकी मानस सकर नहीं आती फ़ालनातन के वजन पर सकानत नहीं आती नदमा यह मनसरफ नहीं होगा इसलिए कि अलफिन जायदान सिफत के आखिर में हैं लेकिन लेकिन इसकी मुनसकर फ़लानात यानि नदमात आती है इसी वजह से यह मनसरफ होगा अलफन ज्यादा सिफ़त के आखिर में हूँ और उसके मानस फ़ालानतन के वजन पर न हो उसकी मिसाल जैसे सकरान अभी अलफन ज्यादा तान सिफत के आखिर में हैं गैर मनसरफ है, है क्योंकि इसकी मानस सकर नहीं आती सकरा आती है और उन गैर मुनरफ नहीं होगा इसलिए कि अगरचालपन ज्यादा तान सिफ़त के आखिर में हैं लेकिन इसकी मुआनस फ़ालानतन के वज़न पर नदमात आती है इसी वजह से ये मुनर्फ होगा आगे वज़न फेल को बयान किया कि वज़न फेल का मतलब है कि इसम फेल के वजन पर हो जैसे अहमद इसमें इसमें गैर मुनसरफ़ है और इसके अंदर वज़न फ़ेल है क्योंकि ये अफ़आलों के वज़न पर है वजन फेल का मतलब है इसम फ़ेल के वज़न पर हो जैसे अह ये इसम है ये फ़ेल के वजन पर है यानी अफ़ालों के वज़न पर है और अफालो फ़ेल है इसी वजह से ये गैर मुनसरफ़ है आगे एक फ़ायदा बयान किया आगे फ़ायदा ये बयान किया कि हर वो ग़ैर मुनसरफ़ हर वो गैर मुनसरफ़ जो जिस पर अलिफ्लाम दाखिल हो जाए या वो दूसरे इसम की तरफ मुजाफ़ हो जाए हालत जर में उस पर कसरा आ जाता है हर वो इसमें गैर मुनसरफ जब उस पर अलिफ्लाम आए या वो दूसरे इसम की तरफ मुजाफ़ हो जाए हालत जरम उस पर कसरा आ जाता है तो दूसरे इसम की तरफ मुजाफ़ हो उसकी मिसाल सल्ई तो फ़ी मसाज हम मैंने उनकी मसाजद में नमाज़ पढ़ी तो मसाजद गैर मुनसरफ है और इस पर हालत जर में कसरा इसलिए आ गया कि यम जमीन की तरफ मजाफ है और इसमें गैर मुनसरफ पर अल्फ्लाम दाखिल हो जाए उसकी मिसाल जहाँ तो विलम मैं कब्रिस्तान की तरफ़ गया यहाँ पर अलमर ग़ैर मुनसरफ है लेकिन चूँकि इसमें अल्फलाम है इसी वजह से हालत जर में इस पर कसरा आ गई है तो एक फ़ायदा बयान किया कि हर वो इसमें गैर मुनसरफ़ के जब उस पर अलफलाम हो या वह दूसरे इसम की तरफ मुजाफ हो हालत जर में उस पर कसरा आ जाता है दूसरे इसम की तरफ़ मजाफ हो सल तो फ़ी मसाजद हिम अब मसाज गैर मुनसरफ है लेकिन हिम जमीर की तरफ मुजाफ़ है इसलिए हालत जर में इस पर कसरा आ गया और उस पर अल्फलाम दाखिल हो उसकी मिसाल जहब तो विलमकबर अब यहाँ पर अलम गैर मुनसरफ है लेकिन इसमें चूंकि अलफलाम है इसी वजह से हालत जर में इस पर कसरा आ गया